मैं अपने हरियाणा प्रदेश के किसान भाइयों को सूचना दे रहा हूं कि जैसे अभी खरीफ की फसल, इसकी खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है और इस बार मुख्य रूप से जो फसलें खरीदी जाएंगी उसमें बाजरा और धान, ये 2 मुख्य फसलें हैं। बाजरा की खरीद हमने पिछले वर्ष हर एक किसान की खरीदने का एक प्रयत्न हमारा रहा है, लेकिन ध्यान में यह आया है कि बहुत से ऐसे राजस्थान के लोग बाजरा की अपनी खरीद हरियाणा में आके करा जाते हैं, कहीं कहीं स्मगलिंग और अधिक होने के कारण से उसके ऊपर काबू नहीं रहा। इस बार हमने ये तय किया है कि हम अपने इस खरीद के माध्यम से जो लाभ है वो केवल हरियाणा के किसानों को ही देंगे। जिन किसानों ने अपने आप को मेरी फसल मेरा ब्यौरा इसके अंदर रजिस्टर करा लिया है, ऐसे लगभग 2,71,000 किसान हैं और उनकी जो ज़मीन है बाजरा की वो 8,65,000 एकड़ ये सत्यापित हुई है। ऐसे सब किसानों को हम भावांतर भरपाई के नाते से एक फिक्स अमाउंट जो 600 रुपया प्रति क्विंटल होगी, उनकी जो उपज है वहाँ की औसत उपज के हिसाब से गिनी जाएगी और ये राशि ऐसे सब किसानों को 7 अक्टूबर के आसपास भेज दी जाएगी। इस प्रकार से ये लाभ केवल हरियाणा के किसानों को मिलेगा, इसके अतिरिक्त इसका लाभ और कोई नहीं उठा पाएंगे। अभी भी आज के जो रेट हमें जानकारी मिली है लगभग 1,650 रुपये के आसपास ही रेट सब चल रहे हैं, तो ऐसा करने से किसान को किसी प्रकार की हानि भी नहीं होगी और हम लोग अपनी जो परचेज है बाज़ार में भाव को मेंटेन करने के लिए 2 एजेंसियां हमारी हरियाणा सरकार की होंगी उसके माध्यम से 25% बाजरे की उपज ये स्वयं खरीदेंगे ताकि भाव न गिरे। धान और बाजरा के अलावा खरीफ की जो अन्य फसलें हैं, मूंग है, मक्का है, अरहर है, मूंगफली है आदि फसलें भी यथासमय इनकी MSP के ऊपर खरीद की जाए। मैं अपने हरियाणा प्रदेश के किसान भाइयों को सूचना दे रहा हूं कि जैसे अभी खरीफ की फसल, इसकी खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है और इस बार मुख्य रूप से जो फसलें खरीदी जाएंगी उसमें बाजरा और धान, ये 2 मुख्य फसलें हैं। बाजरा की खरीद हमने पिछले वर्ष हर एक किसान की खरीदने का एक प्रयत्न हमारा रहा है, लेकिन ध्यान में यह आया है कि बहुत से ऐसे राजस्थान के लोग बाजरा की अपनी खरीद हरियाणा में आके करा जाते हैं, कहीं कहीं स्मगलिंग और अधिक होने के कारण से उसके ऊपर काबू नहीं रहा। इस बार हमने ये तय किया है कि हम अपने इस खरीद के माध्यम से जो लाभ है वो केवल हरियाणा के किसानों को ही देंगे। जिन किसानों ने अपने आप को मेरी फसल मेरा ब्यौरा इसके अंदर रजिस्टर करा लिया है, ऐसे लगभग 2,71,000 किसान हैं और उनकी जो ज़मीन है बाजरा की वो 8,65,000 एकड़ ये सत्यापित हुई है।